जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, माय सेल्फ दौलत, आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं वह काफ़ी डिस्टर्ब है कि उनका जो स्टडी पैटर्न है वह डिस्टर्ब हो चुका है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी में इस प्रकार की सुविधाएँ अवेलेबल करवाई जा रही है कि घर बैठे आपको जो अपने सब्जेक्ट्स हैं वह सब्जेक्ट पूर्ण रूप से तैयार करवाए जाएंगे घर बैठे। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पीडियाट्रिक सब्जेक्ट के बारे में। तो पीडियाट्रिक सब्जेक्ट को चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग भी बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पीडियाट्रिक्स होता क्या है। तो पीडियाट्रिक्स के इंट्रोडक्शन की बात करें तो पीडियाट्रिक्स बना है किससे बना है, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पीडियाट्रिक्स वर्ड है उसको तीन वर्ड के अंदर क्या किया है, डिवाइड किया गया है। तो इन तीनों वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पीडिया का मीन्स होगा चाइल्ड, पीडिया का मीन्स क्या होगा, चाइल्ड। यहाँ पर आइट्रिक की मैं बात करूं, आइट्रिक का मीन्स होता है ट्रीटमेंट, आइट्रिक का मीन्स क्या होगा, ट्रीटमेंट। मैं बात करूं आइस का मतलब होगा ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस। यहाँ पर पीडियाट्रिक्स के इंट्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, पीडियाट्रिक्स फर्स्ट की बात करें ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड के बाद में बात करें कि जो पीडियाट्रिक्स वर्ड है इसका मीन्स क्या होता है। तो पीडिया का मीन्स होगा चाइल्ड, आइट्रिक का मीन्स होगा ट्रीटमेंट, और आईसीस का मतलब होगा ब्रांच ऑफ साइंस। अब ये तीनों वर्ड को मिला के इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बनती है कि जो पीडियाट्रिक्स वर्ड है इसकी डेफिनेशन बनती है कि पीडियाट्रिक्स कैन बी डिफाइंड एज is a branch of science that deals with child development and care and within childhood disease and treatment। यहाँ पर बात करूँ कि जो pediatrics है उसके अंदर जो child के development है और child के development के साथ उसकी जो care है उसके बारे में discuss करते हैं, उसके साथ साथ में उसकी childhood disease and treatment, यानी कि बच्चों के अंदर किसी भी प्रकार की अगर डिजीज़ हो जाती है और उस डिजीज़ के हो जाने के बाद में उसका जो ट्रीटमेंट है वह प्रोवाइड किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, पीडियाट्रिक्स कहेंगे। फिर आगे मैं बात करूं इसकी जो पीडियाट्रिक्स है उसकी मेन डेफिनेशन की, पीडियाट्रिक्स की मेन डेफिनेशन की, तो पीडियाट्रिक्स की मेन डेफिनेशन होती है पीडियाट्रिक्स कैन बी डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ चाइल्ड डेवलपमेंट केयर एंड चाइल्डहुड डिजीज एंड देयर ट्रीटमेंट। फिर आगे बात करें, इट इज प्रिवेंटिव प्रमोटिव एंड रिहेबिलिटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि किसी प्रकार के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड केयर, उसके अंदर किसी भी प्रकार की जो डिजीज़ हो जाती है उस डिजीज़ के कारण जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वह प्रॉपर नहीं होगा, तो उस कंडीशन के अंदर जो पीडियाट्रिक्स है उसको डिफाइन किया गया है, उसको डिफाइन किया गया है कि जो डिजीज़ है वह नहीं हो और उस डिजीज़ के होने पर उसका ट्रीटमेंट है वह प्रोवाइड किया जाए। फिर आगे मैं बात करूँ जो फैक्टर होंगे पीडियाट्रिक्स के सब्जेक्ट के अंदर, कौन कौन से फैक्टर हैं जो पीडियाट्रिक्स के चाइल्ड हेल्थ को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, कौन कौन से फैक्टर होंगे जो क्या करेंगे, चाइल्ड हेल्थ को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट में बात करूं मैटरनल हेल्थ, फैमिली हेल्थ, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, फिर बात करें एजुकेशन, ठीक है, मैटरनल हेल्थ, फैमिली हेल्थ फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, और बात करें आपका न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ये जो फैक्टर होंगे वह बच्चे की हेल्थ को किस प्रकार से अफेक्ट करेंगे इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं मैटरनल हेल्थ की, जो मैटरनल हेल्थ है वह किस प्रकार से चाइल्ड्स की हेल्थ को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। तो यहाँ पर बात करूं तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेन
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिस दौरान जैसे एक वुमेन होती है प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद में किसी प्रकार की जो हार्मफुल या फिर जो एक्टिविटीज़ होती है, उन एक्टिविटीज़ के कारण क्या होगी, बच्चे की हेल्थ को अफेक्ट करेगी। तो यहाँ पर बात करें कि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान किस प्रकार से क्या करेगी, जो बच्चे की हेल्थ है उसको हाई रिस्क रहेगा, किस प्रकार की जो प्रॉब्लम होगी जो चाइल्ड को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। तो यहाँ पर बात करें कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जैसे जो मैटरनल हेल्थ होगी, कि मैटरनल हेल्थ किस प्रकार से, जैसे बात करें यहाँ पर हाइपरटेंशन डिसऑर्डर, हाइपरटेंशन जो डिजीज़ है वह उस कारण से चाइल्ड की हेल्थ को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। फिर बात करें हाइपरटेंशन के अलावा जो डायबिटीज़ की कंडीशन है, डायबिटीज़ की कंडीशन के कारण भी क्या होगी, जो चिल्ड्रन है उसकी हेल्थ को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। फिर आगे मैं बात करूँ किसी भी प्रकार की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, कौन सी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, इस मदर को अगर किसी प्रकार से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो उस कारण से भी बच्चे की हेल्थ को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी, और वह जो डिजीज़ होती है वह डिजीज़ उस बच्चे को ट्रांसफ़र हो जाएगी। फिर आगे बात करूँ फैमिली हेल्थ, आगे डिस्कस करेंगे कि फैमिली हेल्थ है वह किस प्रकार से चाइल्ड की हेल्थ को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। यहाँ पर बात करें कि फैमिली हेल्थ है वह किस प्रकार से चाइल्ड की हेल्थ को अफेक्ट करेगी। तो फैमिली के अंदर रहने वाले जो पेरेंट्स होंगे वह क्या करेंगे, प्राइमरी केयर गिवर होंगे। पेरेंट्स हैं वह क्या है, प्राइमरी केयर गिवर होते हैं चिल्ड्रन के, कि जो चिल्ड्रन होंगे उसको क्या करेगी, प्राथमिक केयर प्रदान करेंगे, और प्राथमिक केयर प्रदान करने के साथ साथ में किसी भी प्रकार से जैसे फिजिकल इंजरी की बात करें तो वहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे कि जो चिल्ड्रन है उसको किसी भी प्रकार से जो फिजिकल इंजरी है वह नहीं हो, फिजिकल इंजरी नहीं हो, उससे बचाएंगे प्राइमरी केयर गिवर यानी कि जो पेरेंट्स होंगे जो फिजिकल इंजरी से बचाएंगे। फिर आगे बात करेंगे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर किस प्रकार से चाइल्ड की हेल्थ को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर बात करूँ मैं सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है उस किस प्रकार से चाइल्ड की हेल्थ को अफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर बात करें सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें तो एक फैमिली के अंदर एक अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन होने के कारण उस फैमिली की जो अफोर्डेबल कंडीशन होती है उस अफोर्डेबल कंडीशन को वह पर्याप्त मात्रा में क्या कर सकता है, एफर्ट नहीं कर पाता है, और उन अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन के कारण जो बच्चा होगा जो चिल्ड्रन है उसकी हेल्थ को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट किस प्रकार से चिल्ड्रन की हेल्थ को अफेक्ट करेंगे, जैसे बात करें यहाँ पर कि जो अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन होगा उसके कारण जो बच्चे का जो ब्रेन होगा उस ब्रेन के अंदर क्या होगा, नेगेटिव आइडियाज आएंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे, उन कारण से जो बच्चे की स्कूल गोइंग है स्कूल के अंदर क्या होगी, परफॉर्मेंस, स्कूल के अंदर जो परफॉर्मेंस होगी वह किस प्रकार से डिस्टर्ब होगी। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट के कारण उस फैमिली की जो अफोर्डेबल कंडीशन है उसका जो सपोर्ट है वह कम हो जाएगा, और कम होने के साथ साथ में चिल्ड्रन की हेल्थ को अफेक्ट करेंगे, और अफेक्ट किस प्रकार से करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन के कारण बच्चे का जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वह कम हुआ है, और कम होने के साथ साथ उसकी स्कूल के अंदर जो परफॉर्मेंस है वह वीक हुई है। फिर मैं बात करूं एजुकेशन किस प्रकार से अफेक्ट कर रहा है, एजुकेशन किस प्रकार से अफेक्ट करेगा चिल्ड्रंस की हेल्थ को। तो यहां पर मैं बात करूं कि एजुकेशन किस प्रकार से अफेक्ट करेगा,
एजुकेशन की बात करें, अगर वेल एजुकेशन पेरेंट्स होंगे तो वह अपने चिल्ड्रंस को क्या करेंगे, वेल एजुकेशन दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर पेरेंट्स अगर वेल एजुकेटेड नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर जो चिल्ड्रंस हैं उनको भी प्रॉपर वे से एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, जिससे उन एजुकेशन बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाने के कारण हेल्थ पे क्या करेंगे, अफेक्ट पड़ेंगे। अफेक्ट के साथ साथ में जो जॉब की कंडीशन है, जैसे जॉब की कंडीशन है वह नहीं मिल पाएगी। जैसे पर्सन जो चिल्ड्रंस होते हैं हायर सेकेंडरी उसके बाद में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में भी उनको जो सफिशेंट नीड के अंदर जो जॉब की रिक्रूटमेंट है वह नहीं मिल पाती है, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स होते हैं वह क्या होती है, अगर वेल एजुकेशन नहीं है तो जो जॉब का क्राइटेरिया है वह क्राइटेरिया उनको नहीं पता होता है, इसलिए उस चिल्ड्रन को क्या करता है, जॉब नहीं मिल पाता है। फिर मैं बात करूँ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की, कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन किस प्रकार से चिल्ड्रन को अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर बात करूँ कि एक वुमेन होती है, ठीक है, वुमेन जैसे फीमेल होती है, अगर प्रॉपर मात्रा में बैलेंस डाइट नहीं ले पाने के कारण संतुलित आहार नहीं लेने के कारण उस चिल्ड्रन की हेल्थ को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। किस प्रकार से अफेक्ट करेगा, जैसे मैं बात करूँ एक वुमेन होती है, वुमेन अगर बैलेंस डाइट अगर नहीं ले पाती है उस दौरान उस वुमेन के जो बच्चा होगा वह क्या होगा, लो बर्थ वेट का हो सकता है, लेस देन 2.5 केजीज कॉल्ड इज लो बर्थ वेट। ठीक है, मैं बात करूं कि लो बर्थ वेट उसके डिलीवर हुआ है, और डिलीवर होने के बाद में नेक्स्ट क्या हो सकता है कि बैलेंस डाइट प्रॉपर नहीं लेने के कारण अबॉर्शन, ठीक है, और स्टील बर्थ की कंडीशन भी हो सकती है। अबॉर्शन की बात करें तो अबॉर्शन होता है वह लाइव कंडीशन के अंदर, ठीक है, लाइव बर्थ होता है अबॉर्शन के अंदर, कि जो अबॉर्शन हो जाता है उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, लाइव बर्थ के अंदर हो सकता है, जबकि स्टील बर्थ होता है उसके अंदर डेथ बेबी बॉर्न होता है। स्टील बर्थ के अंदर क्या होगा, डेथ बेबी बॉर्न होगा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से जो फैक्टर हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में कंसेप्ट क्या है, पीडियाट्रिक्स के जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग अपना सब्जेक्ट है उसके कंसेप्ट क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंसेप्ट की बात करें, एकेडमिक कंसेप्ट क्या है, एकेडमिक, यहां पर मैं बात करूं कंसेप्ट की, सबसे पहले बात करें एडवोकेट क्या होगा, एडवोकेट कि एडवोकेट फॉर द चाइल्ड एंड फैमिली, जो नर्स होगी यहाँ पर जो नर्स का रोल रहेगा एक चाइल्ड्रन के लिए और एक फैमिली के लिए क्या करेगी, एडवोकेट का रोल परफॉर्म करेगी। उसके बाद में बात करूँ सेकेंड सी का मीन्स होता है कम्युनिकेट फॉर चाइल्ड, ठीक है, यहाँ पर बात करें कि जो चिल्ड्रन होंगे उन चिल्ड्रन के लिए क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए क्या करेंगे, IPR मेंटेन करेंगे, यानी कि जो इंटरपर्सन रिलेशनशिप है वह उन बच्चों के लिए चिल्ड्रंस के लिए वह मेंटेन करेंगे, चिल्ड्रन के लिए क्या करेंगे, IPR मेंटेन करेंगे। फिर यहाँ पर मैं बात करूँ एक्टिविटीज, यहाँ पर क्या करेगी नर्स, एक्टिविटी चेक करेगी, किन की एक्टिविटी चेक करेगी, चिल्ड्रन की एक्टिविटी चेक करेगी, ए का मीन्स क्या होगा, एक्टिविटीज द चिल्ड्रन एक्टिवेट द चिल्ड्रन एक्टिविटीज, कि किस प्रकार से जो चिल्ड्रंस होंगे उनकी एक्टिविटीज है वह एक्टिव है या नहीं है। फिर मैं यहां पर बात करूं डिसिमिनेटेड की कि जो चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है, डी का मीन्स होगा जो चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है वह किस प्रकार से पब्लिक तक पहुंचाना है, तो जो प्रचार है वह क्या करना है, पब्लिक तक क्या करना है, ट्रांसफर करना है, कि जो चाइल्ड के हेल्थ प्रोग्राम है, चाइल्ड की हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है उनका क्या करेंगे, अपन डिसिमिनेट करेंगे, उनका प्रसार करेंगे। फिर आगे मैं बात करूँ ए का मीन्स होता है एडुकेट, ई का मीन्स क्या होगा, एडुकेट द पब्लिक, एडुकेट टू पब्लिक चाइल्ड हेल्थ,
यानी कि जो पब्लिक होगी उसको क्या करेंगे, चाइल्ड की हेल्थ के बारे में क्या करेंगे, अवेयर कराएंगे कि किस प्रकार से चाइल्ड की हेल्थ को क्या कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं, उसे हेल्थी रख सकते हैं। तो इसके बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे चिल्ड्रंस की हेल्थ के बारे में। फिर आगे बात करूं एम का मीन्स होता है मोटिवेट, यानी कि जो पीपल है, जो पर्सन है सोसाइटी के अंदर, उनको मोटिवेट करेंगे चिल्ड्रंस की हेल्थ के बारे में, किस प्रकार से कि जो चिल्ड्रंस हैं उनकी हेल्थ को क्या करेंगे, मेंटेन रख सकते हैं, उनके हेल्थ को क्या कर सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। फिर आई का मीन्स होता है इन्वेस्टिगेट। क्या होता है इन्वेस्टिगेट? ऐसे होता है कि जिस प्रकार से आपके पास जो सोर्स अवेलेबल है उस सोर्स के द्वारा ही जो चिल्ड्रंस है उनकी हेल्थ को क्या करोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे। फिर सी का मीन्स होता है कोलाबोरेट केयर का मीन्स होता है कि जो भी केयर है, जैसे फिजिकल रूप से अगर डिस्टर्ब है चिल्ड्रंस, फिजिकल रूप से अगर किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी है तो उसको क्या करोगे, फिजिकली रूप से केयर प्रदान करोगे। अगर मेंटली रूप से अगर डिस्टर्ब है तो उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देके क्या करोगे, केयर प्रदान करोगे। ठीक है, ये आपने क्या पढ़ लिया, कंसेप्ट पढ़ लिया। उसके नेक्स्ट बात करेंगे राइट ऑफ चाइल्ड की, राइट की बात करेंगे। फर्स्ट है आपका राइट ऑफ सर्वाइवल, राइट टू सर्वाइवल, कि किस प्रकार से जो चिल्ड्रन है अपनी लाइफ को क्या करे, सर्वाइव करे, तो उसको भी अधिकार मिले हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि चिल्ड्रन की, तो फर्स्ट राइट टू सर्वाइवल के अंदर बोर्न, राइट टू बोर्न, ठीक है, जो जन्म का अधिकार है वह क्या मिलता है चिल्ड्रंस को, मिला है। और उसके बाद में बात करें राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, लाइफ विथ डिग्निटी, यानी कि जो चिल्ड्रंस होगा उसको जीने के अधिकार के साथ साथ में उसकी जो शान होगी उस शान से जीने का अधिकार है। फिर आगे बात करें राइट टू हेल्थ केयर, फिर नेक्स्ट बात करें कि राइट टू हेल्थ केयर, किस प्रकार से जो हेल्थ है उसकी केयर हो, और केयर होने के साथ साथ में किस प्रकार की सेफ ड्रिंकिंग वाटर फूड, ये से अधिकार उसको क्या है, मिले हैं। तो राइट टू हेल्थ केयर के साथ साथ में सेफ ड्रिंकिंग वाटर फूड, ठीक है, और क्लीन और सेफ इन्वायरमेंट के अधिकार राइट टू सर्वाइवल के अकॉर्डिंग आते हैं। राइट टू सर्वाइवल के अंदर क्या क्या आ गए, राइट टू सर्वाइवल के अंदर आएंगे कि राइट टू बोर्न, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, जीने के अधिकार के साथ साथ में शान से जीने का अधिकार, फिर है राइट टू हेल्थ केयर के साथ साथ में सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन एंड सेफ इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें क्या मिली है चिल्ड्रंस को मिली है। फिर बात करेंगे राइट टू प्रोटेक्शन, कि किस प्रकार से प्रोटेक्शन है जो बच्चों को मिले हैं, कि प्रोटेक्शन का अधिकार किस प्रकार से मिला है, तो इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करें तो फर्स्ट में बात करूं राइट ऑफ प्रोटेक्शन के अंदर जो चिल्ड्रंस हो, चिल्ड्रंस को किसी भी प्रकार की हिंसा वॉयलेंस है उससे बचने का अधिकार भी है। तो राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वॉयलेंस, किसी प्रकार की हिंसा से बचने का अधिकार मिला है। उसके बाद में बात करें राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डेंजरस ड्रग, यानी कि किसी भी प्रकार की जो डेंजरस ड्रग्स होगी उस डेंजरस ड्रग्स से बचने का अधिकार भी इन चिल्ड्रंस को मिला है। उसके बाद में बात करें राइट टू पार्टिसिपेशन, कि किस प्रकार से चिल्ड्रंस को पार्टिसिपेशन का अधिकार है वह मिला है। तो राइट टू पार्टिसिपेशन के अंदर बात करें तो फ्रीडम ओपिनियन, यानी कि जो ओपिनियन है उसके लिए क्या होनेंगे चिल्ड्रंस हैं, उनको फ्रीडम की आज़ादी मिली हुई है। और उसके बाद में बात करें राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि किसी भी सूचना का अधिकार राइट टू पार्टिसिपेशन के अंदर चिल्ड्रंस को मिला है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, और फर्स्ट बात करें राइट टू फ्रीडम फ्रॉम ओपिनियन, यानी जो भी ओपिनियन है उसकी फ्रीडम है वह चिल्ड्रंस को मिली है। और उसके बाद में बात करें कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, जो भी एसोसिएशन है उस एसोसिएशन के लिए क्या मिली है, फ्रीडम की आज़ादी उन चिल्ड्रंस को मिली है। फिर मैं आगे बात करेंगे राइट टू डेवलपमेंट, कि जो डेवलपमेंट का जो राइट है वह किस प्रकार से मिला है चिल्ड्रंस को। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे राइट टू
डेवलपमेंट। राइट टू डेवलपमेंट की बात करें तो यहां पर बात करूं राइट टू एजुकेशन कि जो शिक्षा का अधिकार है वह भी चिल्ड्रंस को मिला है। फिर है राइट टू लर्न यानी कि किसी भी प्रकार से कहीं से भी सीखने का अधिकार वह चिल्ड्रंस को मिला है। राइट टू लर्न किसमें मिला है? राइट टू डेवलपमेंट के अंदर। फिर आगे बात करें डेवलपमेंट के अंदर इमोशनल फिजिकल, यहाँ पर बात करें जो राइट टू डेवलपमेंट के अंदर जो चिल्ड्रंस होंगे उनको राइट टू डेवलपमेंट के अंदर किसी भी प्रकार से इमोशनल किसी प्रकार से फिजिकल रूप से डिस्टर्ब हो रहे हैं तो उस कंडीशन में उनको ये अधिकार भी मिला है कि वह इमोशनल की कंडीशन इमोशनल भी हो सकते हैं अपनी लाइफ में और फिजिकली रूप से भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हैं उनको क्या मिले, ये सब फॉर्मल हैं। इन फॉर्मल के अंदर क्या करते हैं, चिल्ड्रंस को ये अधिकार मिला है इमोशनल और फिजिकल रूप से क्या मिला है, राइट होने का अधिकार मिला है। फिर आगे बात करें आर्टिकल 24 क्या है। आर्टिकल 24 की बात करें तो आर्टिकल 24 एक ऐसा आर्टिकल है, इस आर्टिकल के तहत जो 14 ईयर्स यानी कि जो 14 साल से कम के जो चिल्ड्रंस होंगे उनको फैक्ट्रीज के अंदर काम करना अलाउ नहीं है। इसके लिए वह क्या होनी चाहिए, जो 14 ईयर्स एज है वह क्रॉस होनी चाहिए। फिर आगे मैं बात करूँ आर्टिकल 39 क्या है। आर्टिकल 39 के दौरान क्या होता है, आर्टिकल 39 के दौरान जो चिल्ड्रंस होंगे उनको प्रिवेंट एब्यूज यानी किसी प्रकार की जो गाली होती है उसको उस गाली से बचाने का अधिकार है। फिर आगे बात करूँ आर्टिकल 45 क्या है। आर्टिकल 45 की बात करूँ तो यहाँ पर जो एजुकेशन है कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड 14 ईयर्स। ठीक है, जो एजुकेशन है वह क्या होनी चाहिए, जो 14 ईयर्स का जब तक चाइल्ड नहीं हो जाता है उसे क्या करनी है, कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट बात करेंगे कि प्रिंसिपल कौन से हैं, जो चाइल्ड है नर्सिंग के प्रिंसिपल हैं वह किस प्रकार से हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल की फर्स्ट में बात करें तो एज ए नर्स, नर्स की रोल इस प्रिंसिपल के अंदर कंसिडर की गई कि नर्स का रोल किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट बात करूँगा, फर्स्ट प्रिंसिपल है तो नर्स क्या करेगी, नर्स अवेयर फ्रॉम चाइल्ड एंड फैमिली। तो यहाँ पर जो नर्स होगी वह क्या करेगी, अवेयर कराएगी उसके चिल्ड्रंस के फैमिली मेम्बर्स को और उन चिल्ड्रंस को किसी भी प्रकार के प्रोग्राम से रिलेटेड यानी कि वो जो प्रोग्राम है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उस शेड्यूल के बारे में क्या करेगी, अवेयर करेगी। फिर नेक्स्ट बात करें यहाँ पर नर्स क्या करेगी, किसी भी प्रकार से यहाँ पर जो लैंग्वेज नर्स यूज़ करती है उस लैंग्वेज को क्या उसके फैमिली मेंबर्स चिल्ड्रंस के और चिल्ड्रंस हैं वह अच्छी तरीके से क्या करे समझ सके। और बात करें ये लैंग्वेज की तो लैंग्वेज जो चिल्ड्रंस हैं और जो चिल्ड्रंस के पेरेंट्स हैं जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं उस लैंग्वेज को एज ए नर्स वह क्या कर सकती है, इजीली समझ सके। फिर आगे में बात करें बेटर नॉलेज यहाँ पर नर्स थर्ड प्रिंसिपल के अंदर नर्स क्या करती है, नर्स प्रोवाइड बेटर नॉलेज फॉर पेरेंट्स एंड चाइल्ड यानी कि जो भी नॉलेज होगा उस नर्स के पास में उस नॉलेज को क्या करेगी वह शेयर करेगी और शेयर करने के साथ साथ में जो चिल्ड्रंस की हेल्थ है उसको किसी प्रकार की जो डिजीज़ है उस डिजीज़ से किस प्रकार से बचा सकते हैं, जो भी नॉलेज होगा उस नर्स के पास में वह क्या करेगी उसको शेयर करेगी। फिर आगे मैं बात करूँ जो नर्स है, ठीक है, नर्स जो भी नॉलेज है उसको क्या करती है शेयर करने के बाद में जो पेरेंट्स हैं उन पेरेंट्स को क्या करती है मौका प्रोवाइड करती है एक चांस देती है कि जो डिसीजन है जो चिल्ड्रंस की हेल्थ के रिलेटेड डिसीजन है वह डिसीजन वह ले सके, जो भी डिसीजन होगा पेरेंट्स का वह उस चिल्ड्रंस की हेल्थ के लिए ही होगा कि जो डिसीजन होगा वह चिल्ड्रंस की हेल्थ के लिए ही होगा। फिर आगे मैं बात करूं यहां पर आगे बात करें
नर्स क्या करती है, जो चिल्ड्रंस का बिहेवियर है उस बिहेवियर को क्या करती है, मेंटेन रखती है। उस बिहेवियर को क्या करती है, मेंटेन रखती है। किसी प्रकार की अगर चिल्ड्रन अगर किसी प्रकार का मिसबिहेव करता है नर्स के साथ में, तो भी वह नर्स क्या करती है, चिल्ड्रंस को क्या करती है, साइकोलॉजिकल या फिर मेंटली रूप से क्या करती है, शांत करके उस बिहेवियर को क्या करती है, मेंटेन करती है। और उस बिहेवियर को मेंटेन करने के साथ साथ में उस बच्चे को क्या करती है, केयर प्रोवाइड करती है। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ पीडियाट्रिक्स नर्सिंग, फिर बात करें इसकी डेफिनेशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, उसके बाद में जो फैक्टर हैं उन फैक्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, फिर लास्ट में बात करें कंसेप्ट, जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के कंसेप्ट हैं एकेडमिक, उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, फिर बात करें राइट ऑफ चाइल्ड कि कौन कौन से जो राइट होंगे जिसके द्वारा क्या होती है, चाइल्ड की हेल्थ को क्या कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। फिर लास्ट में बात की थी प्रिंसिपल की कि जो प्रिंसिपल होंगे वह नर्स के द्वारा कंसीडर हुए हैं और नर्स का ही रोल रहेगा प्रिंसिपल के अंदर कि किस प्रकार से चिल्ड्रंस की हेल्थ को क्या कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं, और किस प्रकार से जो पेरेंट्स होंगे उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देके उनका जो डिसीजन है उस डिसीजन को चिल्ड्रंस की हेल्थ के लिए ही इम्प्रूव, हेल्थ में इम्प्रूव करने के लिए होगा। ठीक है, आज की क्लास के अंदर ये सब डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट की क्लास के अंदर जरूर मिलेंगे। आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी को जो चैनल है अपना उसको सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, जिससे कि जो नर्सिंग के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका जो नॉलेज है, उनका जो डिस्कशन है वह सभी के साथ शेयर हो, इसका फ़ायदा सभी स्टूडेंट्स को मिले। थैंक यू।